सभी को जय मसीह की महानयम शिवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ We thank God for his gracious hand which is leading us and led us last year and even in this new year first month is over and we are entering into second month प्रकार उसने में हम सभी और अपने अनुग्रहकारी हाथ से हमको बचाए रखा इस नए साल में भी उसने हमें अनुग्रह किया जिसके कारण हम इस नए साल को देख सके और अभी हमने एक मंथ पूरा करके अभी हम दूसरे महीने में आए हुए हैं एंड इवन इन दिस मंथ लाइक टू सी गाड वाइपिंग और हम इस साल के इस दूसरे महीने में भी हम इसी बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर अभी भी आपके आंसुओं को जो है पहुंचेगा आपके तकलीफों को दूर करेगा विल जस्ट लुक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सलमन और आज हम जो है श्रेष्ठ गीत की इस पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं you know, in uh, और श्रेष्ठ गीत की ये जो पुस्तक है एक राजा के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखने में स्वयं राजा का हाथ है And uh, king was very excited about his own garden. And uh, one garden which was planted by him, he wanted to see that that garden is taken care of well, very well and he has given in charge to one family. और एक बाग जो उसने स्वयं लगाया था जिसके विषय में बहुत उत्साहित था तो वह चाहता था कि उस बाग की देखरेख अच्छे से की जाए इसलिए उसने एक परिवार को उस बाग की देखभाल करने के लिए रखा था एंड देन वन्स ही पीप्स थ्रू हिज विंडो एंड देन सीज दैट Garden is flourishing very well. Bees, honeybees going this side to that, to that side, this flower to that flower, that flower, and very nicely coming up. और जब वो अपने घर के खिड़की के झरोके से जब वो झांक रहा था तो उसने देखा कि उसका जो बाग है वो पूरी रीति से वह फूलों फलों से भर गया है वहां पर ना रही है मधुमक्खियाँ भिन्न भी रही है और हम देखते हैं कि वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है Then, uh, ओनली वन गर्ल वॉज टेकिंग केयर ऑफ द होल गार्डन और जब वो अपने घर की खिड़की के झरोके से जब झांक रहा था तो उसने देखा कि बाग की देख रेख अच्छे से हुई है लेकिन उस दौरान में उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर गई वही केवल उस बाग की देख रेख कर रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द होल फैमिली बट नो बड़ी टू बी सीन एक्सेप्ट and let me go and find out the details. तब तो उसके मन में ये विचार आया कि मैंने बाग की देखरेख करने के लिए एक परिवार का चुनाव किया लेकिन मुझे सिर्फ बाग की देखरेख करने के लिए सिर्फ एक ही लड़की दिख रही है इसके पीछे का कारण क्या है इसके विषय में मुझे छानबीन करने की आवश्यकता है सो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ शेपर्ड अपना रूप बदला और उसने चरवाहे का रूप धारण किया और वह उस दिन वहाँ पर उस बाग में आया और उस स्त्री के साथ वह बातचीत करने लगा

तो वो बहुत ही उदास हो गई और उसने उससे पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तू कहाँ रहता है तू अपने भेड़ों की रखवाली कैसे करता है उनके बीच में तू कैसे रखता है ताकि मैं भी तेरे पीछे चल सकूं At the end of the story, और हम कहानी के अंत में देखते हैं King Solomon not comes as a shepherd, but he comes as a king of kings. अब वह अपने आप को अब

वह उसको लेकर अपने राजमहल में जाता है Same way, beloved, The Lord has come once as a shepherd. इसलिए मेरे प्रियो हमारा प्रभु एक बार चरवाहे के रूप में आया था He's going to come again as a king of kings. लेकिन वो फिर एक बार राजाओं के राजा के रूप में आने वाला है This time he will not come with empty hands. He will come with so many वह खाली हाथ नहीं आने वाला है लेकिन जब वह आएगा तो अपने साथ व प्रतिफलों को लेकर आएगा ताकि उसके द्वारा वह हमें प्रोत्साहित कर सके इन रेवलेशन ट्वेंटी सेकेंड चैप्टर वी रीड प्रोमिस ऑफ द लॉर्ड और लास्ट प्रोमिस ऑफ द लॉर्ड और हम प्रकाशित वाक्य उसके बाविस अध्याय में हमारे प्रभु की एक प्रतिज्ञा को जिसे हम अंतिम प्रतिज्ञा भी कहते हैं उसे देखते हैं ट्वेंटी टू एंड वर्स्ट वाल और प्रकाशित वाक्य अध्याय बाईस और वचन बारह एंड बिहो आई एम कमिंग क्विकली और वो कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं द लॉर्ड इज कमिंग क्विकली हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है and then what is तो क्या होने वाला है इज कमिंग क्विकली फॉरवर्ट अब वो तुरंत जो आने वाला है या शीघ्र आने वाला है तो किस काम के लिए आने वाला है इज कमिंग क्विकली एंड देन इट्स एंड

लॉर्ड क्यूँ क्यूँकी मैं शांत नही बैठा हुआ हूँ मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूँ एवरी वर्क इज रिक जो भी काम हम कर रहे हैं उसका स्मरण पत्र में हजारों स्वरदूतों के द्वारा इसको दर्ज किया गया है जब वो उस तक खोली जाएंगी तो आपने जो भी काम किए हैं उस सब कामों का प्रतिफल आपको दिया जाएगा एवरी एवरीथिंग इज काउंटेड एंड दैट इज रिकॉर्डेड चाहे आप सेवा कर रहे हो चाहे प्रार्थना कर रहे हो या और कोई काम कर रहे हो सब कुछ उस पुस्तक में दर्ज किया गया है मॉर्निंग क्लॉक सिक्स टू सिक्स इन दू नील बिफोर गॉड और मैं सुबह तड़के छ बजे उठकर छ से साढ़े छह बजे तक प्रभु के सामने में घुटनों पर बैठा करता था एंड ओ कॉक इन दिल सिक्स इन द मॉर्निंग और जब कभी मैं शाम के छ बजे जब घुटनों पर प्रार्थना में बैठता था तो पूरी रात में प्रार्थना में बिताई करता था सो गॉड परमेश्वर सारी बातों को अपने लेखे में लिखता है और उसका प्रतिफल देता है स्ट्रीट एंड इन दिलेजी में ऑब्जूमी और सीमी बट God sees it and records it. जब मैं गांव में और गली गलियों में जाकर जब सुसमाचार पत्रिकाओं को जब बांटता था उस समय में भले ही मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने लेकिन मुझे निश्चय है कि मेरा प्रभु इसका प्रतिफल मुझे अवश्य देगा बाइबल so, कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रतिफल है तुम्हारी कीमत मेरे पास है उन सारी बातों का लेखा रखने वाला परमेश्वर है जिन बातों को हम करते हैं इवन इफ यू कैंड प्रे दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एंड एवरी ड्रॉप विच शेड फॉर पेरिशिंग सोल्स is definitely recorded and that will be rewarded. यदि आप आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपके एक एक आंसुओं का हिसाब परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में दर्ज करके रखा है जिसका प्रतिफल आपको दे How great is our God? कितना महान हमारा परमेश्वर है you know, God is a God who definitely rewards us and gives us रिवार्ड अकॉर्डिंग टू और हमारा परमेश्वर निश्चित ही प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और जो काम हमने किया उसके अनुसार वो निश्चित ही हमें प्रतिफल देगा Whoever may be, आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो फे वर्किंग फॉर गॉड ग यदि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं निश्चित ही परमेश्वर आपके सेवा का प्रतिफल आपको देगा गॉड्स ग्रेट हैंड इज अपन ईचर परमेश्वर का महान हाथ हम सब पर बना हुआ है गॉड्स माइट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू फॉर इज ग्लोरी और परमेश्वर का सर्वशक्तिमान हाथ उसकी महिमा के लिए निश्चित ही हमें प्रतिफल देगा ग्रेट पर्पस वो क्यों आ रहा है वो एक उद्देश्य को लेकर आ रहा है to जो बड़ा है टू टेक पीपल हुआ इन हिम टू टेक एंड देन टेक टू हेवन ताकि उन लोगों को वो लेकर जाए और उन्हें स्वर्ग में अपने साथ रखे टास्क विच गॉड स्वर्ग में ले जाने के बाद परमेश्वर जो दूसरा काम उनके साथ करेगा वो है उन्हें प्रतिफल देगा हाउ ग्रेट टू रिमेंबर दैट लॉर्ड Who died for us, but was resurrected, and then he is going to come again. ये कितनी ही बड़ी बात है, इस बात को स्मरण करना कि हमारा प्रभु में आया और वो मारा गया और पुनरुत्थित हुआ और अब हमें फिर लेने के लिए ले आने वाला है ताकि वो हमें प्रतिफल दे सके ग्रेट गॉड वे है कितना महान परमेश्वर हमारा है mighty God we हमारा कितना सर्वशक्ति महान परमेश्वर है इसलिए हम बड़े ऊंचे स्वर से हालेलुया बोलकर उसकी महिमा करें गॉड इज हु डेफिनेटली रिवार्ड्स क्योंकि हमारा परमेश्वर निश्चित ही प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और जिस प्रकार हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब वे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे इन मावस्ट 14 टू 14 दूसरा अध्याय और उसके चौदह वचन में या उस व्यक्ति को वो कहता है इस बुक इज होली अन्ट्वीन किंग एंड देवर्ड क्यूंकि ये जो पुस्तक है ये आ, राजा और उसके प्रियसी के बीच में होने वाले वार्तालाप के विषय में है। so calling, King His own as my और इसलिए हमारा प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा हमको अपनी प्रिय करके पुकारता है Then in 2 verse 12 it says, और फिर वो दूसरे अध्याय के बारह वचन में इस प्रकार भी कहता है पृथ्वी पर टाइम ऑफ द सिंगिंग और गाने का समय यहाँ पहुँचा है एंड द वॉइस ऑफ द डाउ और पिंडुक का शब्द सुनाई देता है हम देखते हैं यहाँ पे वॉइस ऑफ द डाउ इज हर्ड पे लिखा है कि कबूतर का शब्द सुनाई देता है सो वी हैव आवर प्रोग्राम नेम एज वॉइस ऑफ द डव इसलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया है कबूतर की वाणी वाय क्यू इट इज द इट इज चर्च विच इज टाइप Here. क्योंकि यहां पे एक कलीसिया को हम देखते हैं जो कबूतर की नाई है। Church is uh, typified as down here, and then voice of the down is more sweeter for beloved to hear it. और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कबूतर को कलीसिया से का तुलना की गई है और जो कली है जो कबूतर की नाई है उसकी जो आवाज है वह मधुर है दैट इज वाई वॉइस ऑफ डव इज डेफिनेटली मोर मोर Uh, liked by the और ये, यही कारण है कि जो कबूतर की वाणी है वह उसके कानों को प्रसन्न करती है says, और चौदह वचन इस प्रकार से आगे कहता है ओ माई डाउन इन द्लिफ्स ऑफ द रॉक हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में इन द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द क्लिफ और टीलो के कुंज में लेट मी हियर योर लेट मी सी योर काउंटेनेस मुझे अपना मुख देखने दे लेट मी हियर योर वॉइस मुझे अपना बोल सुनने दे फॉर योर वॉइस इज स्वीट क्योंकि तेरा बोल मीठा है एंड योर काउंटेन्स इज लवली और तेरा मुख अति सुंदर है अरे वट ए ग्रेट एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज इज इट ये कितनी ऐसी बड़ी और कितनी सुंदर ऐसी भाषा है वेन किंग ऑफ किंग सीज यू एंड कॉल यू एज डाव एंड यूर वॉइस इज वेरी वेरी लवली डेफिनेटली इट अपलिव चर्च एंड एवरी बिलीवर बिकॉज इट इज द लॉर्ड हु क्यूँकि प्रभु जो आपको एक सुंदर रूप में देखता है और आपके बोल को सुनने के लिए ललाई निश्चित वह कलिसिया और विश्वासियों के बोल से और मुख की सुंदरता से प्रसन्न होता है वो आपकी वाणी सुनना चाहता है क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं क्या यूर प्रेम टू द किंग ऑफ किंग Hear your voice. लेकिन आप उस राजा के राजा से प्रार्थना कर रहे होते हैं जो सुनना चाहता है। हो सकता है कि शब्द सही ना हो इट मे बी लाइक नॉट क्लियर इन वर्ड एंड हो सकता है कि आप बच्चे के समान तुतलाने वाली भाषा से आप बोल रहे हो रहे हो बेट य लेकिन आपका प्रिय इससे प्रसन्न होता your है बिलवेड रेगुलरली क्योंकि आपका जो प्रिय है वो हमेशा आपकी वाणी सुनना पसंद करता है एवरी डे मॉर्निंग एंड टॉक योर बिलवेट इज लिस्निंग टू योर वॉइस हर दिन जब आप सुबह उठकर उससे बातें करते हैं तब आपका प्रिय आपकी वाणी सुनने से प्रसन्न होता Swami है टाइम और भजनकार कहता है कि मैं हर दिन सात बार प्रार्थना करता हूँ। वेन यू आर प्रेइंग सेवन टाइम यू आर बिलेव किंग ऑफ किंग्स इज हियरिंग इट वेरी 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 एंड इट लवली इन साइड और जब आप दिन में सात बार प्रार्थना करते हैं तब आपका प्रिय जो है आपकी आवाज को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता है और वो उसको खुश करती है इन oh, दिसर इस साल में डिसाइड टू टॉक टू हिम मोर प्रे टू हिम मोर रिलेट विद हिम मोर एंड ही विल लाइक इट निर्णय लीजिए कि आप उससे अधिक से अधिक बात करेंगे अधिक से अधिक उससे प्रार्थना करेंगे अधिक अधिक से उसके साथ नजदीकी बनाएंगे क्योंकि इससे वह पसंद करता है एज यू टॉक यू गो क्लोजर टू हिम क्योंकि जितना अधिक आप उससे बात करेंगे उसके नजदीक जाएंगे एज यू प्रे यू विल गो क्लोजर टू हिम आप जितना उससे प्रार्थना करेंगे उसके नजदीक जाएंगे And look God क्या हम इस समय में प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करते हुए Let us, uh, commit ourselves right now. और इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें लेट इज गिवेंड आइए हम फिर एक बार अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करे नो मे मैटर हाउ मच आप पिछले साल कितने भी आलसी क्यों न हुए हो बट दिस ईयर लेकिन इस साल tell lord i would like to have more more communion with you more talking and more Waiting on you. प्रभु से कहे कि प्रभु इस साल में मैं अधिक से अधिक प्रभु तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ तेरी उपस्थिति में अधिक से अधिक ठहरना चाहता हूँ हम सभी के ऊपर उसका अनुग्रह बना रहे आई हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करे लेट लोडर मैं प्रभु से कहे hey, प्रभु मैं यहाँ हूँ लाइक टू स्पेंड सम मोर टाइम दिस इयर प्रभु जी इस साल में मैं अधिक से अधिक समय तेरे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ like to more।, more. पारिवारिक रूप में भी प्रभु हम तेरी उपस्थिति में अधिक से अधिक व्यतीत करना चाहते हैं। more more. प्रभु हम तेरी उपस्थिति में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। our our and and every फ्रेंड एंड रिलेटिव आई एम समय में प्रार्थना करें अपने परिवारों को अपने मित्रगणों को और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें Closer to him. और जैसे ही आप उसके नजदीक जाते हैं आप देखेंगे बड़े बड़े कामों को होते हुए और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को होते हुए uh, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और अपनी महिमा के लिए आपका उपयोग करेगा आइए हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें गॉड इज गोइंग टू चेंज एंड ट्रांसफार्मर और परमेश्वर हमें बदलेगा और हमारा नवीनीकरण करेगा और हम देखेंगे आप भी देखेंगे कि उसकी सामर्थ आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा बह निकलेगी निकलेगीटेट आई अपने जीवन को समर्पित करें आई हम परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करें फादर वी थैंक यू फॉर दिस पिता आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद uh, uh, गीत की इस पुस्तक के के द्वारा आज अपने हमसे बातचीत इसके लिए आपका धन्यवाद। We commit each one of you into your hands. हम सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं फैमिली एवरी इंडिविजुअल हु आर लिसनिंग टू आवर वॉइस टुडे प्रभु आज जो हमारी वाणी को सुन रहे हैं उन सभी परिवारों को उन सभी प्रत्येक जनों को हम तेरे हाँ

समस्या है परेशानियाँ उनके ऊपर आप उन्हें जय दीजिए प्रभु यीशु के नाम में सारी रुकावटों को बांध दीजिए प्रभु अब यीशु के नाम से उनके जीवन के सारे बंधनों को बांध देते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे और अपनी महिमा के लिए उनका उपयोग कर टुडे लेट योर कम एंड टूडेटर देम लेट योर पावर फ्लो थ्रू देम प्रभु जी आज आपका अनुग्रहों के ऊपर उतरे और उनको जकड़ ले और उनके माध्यम से आपकी सामर्थ्य बह निकले कंटिन्यू टू लाइफ लगातार प्रभु जी उनके जीवन की यात्रा में उनके साथ आप बने रहे प्रभुजी लगातार आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे आप उन्हें आशीष दे और लगे द्वारा अपनी सेवा लेते रहे हर एक बंधनों को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं यीशु के नाम में सारी रुकावटों को हम बांध देते हैं We break, break every bondage in Jesus हर एक बंधनों को हम के नाम से बांध देते हैं एंड टच एवरी वन एंड टेक डिफरेंट प्लेसेस एंड यूज ग्लोरी प्रभु जी आप उनको लेकर अलग अलग स्थानों पे लेकर जाइए और उनका उपयोग अपनी महिमा के लिए कीजिए के नाम में इस प्रार्थना को हम आपसे मांगते हैं पिता हमे आमेन आमेन लोहिया हाल लोहिया प्रियो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह दस बजे से साढ़े दस के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए क्यू आर कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आस्थे आशीष दे धन्यवाद